और पॉपुलेशन दोनों ही रिलोकेट हुए और ये प्रोसेस नाइनटीन और 80s में ज्यादा विजिबल हो गया तो एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू कैन फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन डेमोग्राफिक सिचुएशन एज वेल एज द प्रोडक्टिव यूनिट्स विच आर एस्टेब्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड सेकेंड थिंग इज दैट के ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे इसके उसमें एक राइजिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट था इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था उसकी वजह से ये रिलोकेशन होती गई डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो पूरी ग्रोथ रेट यानी प्रोडक्टिविटी तो बड़ी थी लेकिन उसका ग्रोथ रेट कम होता जा रहा था तो एक किस्म का प्रेशर था कि आप प्रोडक्टिविटी इन्हेंसिंग स्किल्स प्रोडक्टिविटी इन्हेंसिंग इनोवेशन लेके हैं ताकि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड खत्म रिवर्स किया जा सके और तीसरी चीज जो थी ग्रोइंग पब्लिक एंड प्राइवेट इन डेटनेस थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी बहुत ज्यादा डेट के बर्डन में आता जा रहा था और प्राइवेट सेक्टर भी और खासतौर तो पर वो इकोनॉमीज जो पूरी तरह अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं कर पा रही थी या वो प्रोडक्शन में पीछे रह गई थी अब यहां पे एक वेलफेयर स्टेट का जो पर था और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का उसके ऊपर रेस होने शुरू हो गए कि क्या गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट के तौर पर सामने आना चाहिए और एक अपनी स्टेट को वेलफेयर बनाना चाहिए इसलिए स्टेट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है उसके लिए यूके एंड यूएस पॉलिटिकल फिलोसफी जो थी उनकी जो फिलोसफिकल बिलीव थे वो क्या थे वो कहते थे कि स्टेट जो है ना अब क्या हो गया इनटॉलरेबल बर्डन बन चुका है इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ वेल्थ जनरेशन और क्रिएशन के ऊपर यानी अगर आप वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के ऊपर हो रहा है जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो होता है ना वो उसको अलाउ करता है बेटर च्वाइस के लिए और वो अपनी लाइफ को उसको अकॉर्डिंगली शेप करते हैं तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल को फ्री कर दें तो ज्यादा बेटर डिसीजन दे सकेगा और ये बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू होगा इसलिए अगर स्टेट वहां पे जाके इंटरवीन करती है तो एक किस्म का बर्डन कास्ट करती है तो ये सारा प्रोसेस जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है अब पब्लिक कंजम्पन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट वॉज द कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट क्योंकि जो एडजस्टमेंट हो रही थी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके अलावा जो शिफ्टिंग हो रही थी स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक चल रहा था इशू वो सारे का सारा जो है उसमें पब्लिक कंजम्पशन भी अफेक्ट हो रही थी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट हो रही थी तो नेशनल तो इकोनॉमिक जो कम्पिटेटिव ग्लोबल इकोनॉमी में जो नेशनल कम्पटेटिवनेस थी आ, वो जो है उसमें ख़ास तौर पर यह कॉस्ट बियर करनी पड़ी आ, जब नेशनल इकोनॉमीज जो थी वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कंपीट कर रही थी तो उनको फिर आ, एक तरफ तो पब्लिक कंजम्पशन या जा तो ज़्यादा करनी पड़ती थी जैसे सब्सिडाइज करना पड़ता था अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और दूसरी तरफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी अब प्रायोरिटीज जो थी वो चेंज हो रही थी और जो प्रायोरिटीज थी उनमें क्या था कि पब्लिक प्रोविजन लेस ऑन वेल वेल लेस ऑफ पीपल के ऊपर यू जी क्या होता था कि चूंकि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता था तो आपने पब्लिक प्रोविजन प्रोवाइड करनी यानी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी है लेस वेल ऑफ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को अब ये चीज जो करनी थी उसके लिए जरूरी था कि गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हो यहाँ पे लेकिन इसकी इसके पीछे क्या होता कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये रिसोर्सिस ले जा सकते हैं टू फॉस्टर द इनिशिएटिव एंड इंटरप्रनरशिप यानी बजाय कि उसको आप पुअर कम्युनिटी जो है उसको डेवलप well करने में लगे रहें इक्विटी को इंश्योर करते रहें आप एफिशिएंसी की तरफ चले जाएं आप इंटरप्रीन स्किल डेवलप करें आप इनिशिएटिव डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो ज्यादा से ज्यादा मैनुफैक्चरिंग और न्यू टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आए ताकि आपका मार्केट शेयर जो है ज़्यादा इंश्योर हो उसके जरिए आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकें और एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज कर सकें अब इसको अगर हम इस तरह देखें कि जो ओवरऑल रिव्यू लोकेशन हुई उसको किस तरह से वो सेटल हुई इसमें लोकल सेल्फ रिलायंस का जो कंसिड्रेशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और स्टेटिफिकेशन ऑफ वेल्थ कोमुलेशन क्योंकि वेल्थ कोमुलेशन जो हो रही थी वो स्टेटिफाइड डिफरेंट सेगमेंट बनते जा रहे थे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में और फिर वो उनकी एक अपनी जियोग्राफिकल लिंक भी स्टेबलिश हो रहा था फिर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की भी कंसनट्रेशन बहुत ज्यादा होती जा रही थी जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में भी देखा था कि जो डिसीजन मेकर होता है वो इन्वेस्टर है या प्रोड्यूसर है और वो एम्प्लॉयर है वो अपनी जिस लोकेशन में जाके प्रोडक्शन देता है पॉपुलेशन भी उस तरफ मूव करना शुरू रहती है तो इसका मतलब है कि वो खुद एक किस्म का शेप करता है पूरी मैप को ऑफ द वर्ल्ड को या ग्लोब को अब यह स्मॉल नंबर ऑफ कॉरपोरेशन जो थे ना ग्लोबली ऑर्गेनाइज ओवर टाइम बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया क्योंकि उसकी वजह से ये जो स्मॉल नंबर ऑफ कॉरपोरेशन थी वो ग्लोबली ऑर्गेनाइज हो गई स्पेसिफिकली वो बड़े अच्छे तरीके से ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करने लग गई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसने भी एक बहुत बड़ी एक डायकोनॉमी दि क्रिएट कर दी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्योंकि एक तरफ तो हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल मैनेजेरियल स्किल बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेसिस हो रहे थे और दूसरी तरफ सेमी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहे थे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हाई स्किल्ड मैनेजेरियल हाईली मैनेजेरियल स्किल्स बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ इनकम लेवल भी ज्यादा थे रिसोर्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी इनोवेशन भी ज्यादा थी और दूसरे सेगमेंट में जहाँ पे अनस्किल्ड या लो स्किल्ड मैनुअल वर्कआउट रहा था वहाँ पर यह इनोवेशन वगैरह एबसेट थी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि हाई वे स्किल्ड लेबर नीडेड उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी ओवर द टाइम और प्रोडक्शन कॉस्ट क्योंकि उसका पर्पज़ भी एक मेजर ये था कि जब आप इस तरह की हाईली प्रोडक्टिव लेबर को इम्प्लॉय करते थे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे चली जाती थी क्योंकि आप पर यूनिट आउटपुट अक्रॉस द वेज ज्यादा जनरेट कर लेते थे और ये जरूरी इसलिए भी था कि आपने कंपीट करना था जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही थी और आपस में कंपटीशन बड़ा स्ट्रिक्ट था इस वजह से जो हर कंट्री चाहता था और हर रीजन चाहता था कि हमारी टेक्नोलॉजिकली हम आगे निकल जाएं दूसरों से और मेजर मार्केट जो है ग्लोब की उसको कैप्चर कर लें तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट सक्सेस ऑब्जर्व की गई थी क्रॉस रीजन में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स के कुछ जगह तो स्किल्स बड़ी अच्छी शार्प हो गई कुछ जगह प्रोडक्शन बहुत हुई किसी जगह नहीं हुई कम प्रोडक्शन हुई किसी जगह जो कुछ रीजन है वो ज्यादा ग्रो करके कुछ रीजन जो है पीछे रह गए तो स्किल रिक्वायर्ड लेबर पोलराइजेशन जो है अल्टीमेटली ये लीड कर गई थी जियोग्राफिकल पोलराइजेशन ऑफ वर्क प्लेसिस को कि कहाँ पर जो आपको ज्यादा स्किलफुल जॉब लेबर मिल सकती है तो जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो वहां पर मूव करना शुरू रहते थे जब वो वहां पर मूव करते तो ऑटोमेटिकली उनके साथ जो एफिलिएटेड दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस यूनिट्स होते थे वो भी आ जाते थे और वहां पर इम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज को बढ़ जाता था तो आसपास से या दूर दराज से जो लोग क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी इंप्रूव कर गई थी तो वो लोग मूव करके उस जगह पे आके सेटल होना शुरू हो जाते थे, थे तो इस तरीके से एक ओवरऑल शेप होनी डेवलप होनी शुरू हो गई थी इस पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन की